नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान का सियासी घमासान बचाने के लिए बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन अब बीटीपी के वही विधायक गहलोत सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। बीटीपी समर्थकों ने, या यूं कहें बीटीपी विधायकों ने, अब गहलोत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। इस ऐलान से राजस्थान सरकार एक बार फिर डगमगा गई है। हालांकि इस ऐलान से गहलोत के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल डूंगरपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बीटीपी एक उभरती हुई पार्टी बन रही थी। जीतने वाले इस पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गए। इस गठबंधन को देखते हुए कांग्रेस समर्थक बीटीपी ने अब अपना रुख बदला है और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का कहना है कि हमने कांग्रेस बचाने के लिए बीजेपी से दुश्मनी ली, लेकिन जब दुश्मन से ही हाथ मिला ले तो साथ नहीं रहा जा सकता। रोत ने कहा कि सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद के साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए जल्द ही पार्टी कमेटी की बैठक होगी और उसमें आखिरी निर्णय लेकर राज्य सरकार को समर्थन वापसी का पत्र भेजा जाएगा। विधायक ने कहा कि समर्थन वापसी को लेकर सरकार को अवगत किया है, लेकिन इस बारे में अब तक कोई लिखित पत्र नहीं भेजा गया है। बीटीपी विधायकों के समर्थन वापसी की धमकी के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है, लेकिन बीटीपी विधायकों के इस ऐलान का असर राज्य सरकार या मुख्यमंत्री पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बीटीपी ने विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। माना जा रहा है कि बीटीपी की नज़र सांगवाड़ा, वागीदौरा, खेरवाड़ा और डूंगरपुर जैसी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर है। ये सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। राजनीति के जानकारों के माने तो आदिवासी अचल में कांग्रेस और बीटीपी दोनों का वोट बैंक आदिवासी ही है। ऐसे में लंबे समय तक दोनों दलों का एक साथ चलना मुनासिब नहीं था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के चलते बीटीपी का सरकार के साथ समर्थन जरूर रहा। गहलोत सरकार के प्रयासों से उस क्षेत्र में कई विकास कार्य को रफ्तार भी मिली, लेकिन अंततः चुनाव के समय दोनों दलों के नेताओं की आपसी बयानबाजी और एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने इस गठबंधन को अब खत्म कर दिया है।